दोस्तों, जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर बतर है। और ये बात भी हकीकत है कि पानी में जो अमृत तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खून सुखा चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी गया ही ना हो। और दोस्तों, यह हकीकत आपको अभी भी माननी पड़ेगी कि सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और आज भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो सुख का मूल्य पहले चुकाते थे और उसके फल बाद में लेते थे, और सच कहता हूं उनमें वाकई स्वाद बहुत ज्यादा था, लेकिन आज लोग उसका फल पहले लेते हैं और कार्य कितना होगा इसकी चिंता ही नहीं करते। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा इस बात से अपने आप में परेशान रहते हैं कि अरे सर, मेरा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मैं अच्छे मार्क्स IIT में कैसे जाऊं, CA क्वालिफाई कैसे करूं, या फिर एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनूं, एक UPSC की जॉब में किस तरीके से प्रिपरेशन करूं। लेकिन बिफोर दैट, क्या आपने उतनी परिश्रम करी? क्या आपने वाकई दिन के 8-8 घंटे एक महीना पढ़ के दिखा है? आज मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ छोटा सा, जस्ट अभी आप मुझे कमेंट में लिख के सच बताइएगा। देखा जाए तो मैं आपका कोई भी नहीं हूँ, और देखा जाए तो मैं आपसे एक स्ट्रांगली बिल्ड कनेक्शन बना चुका हूँ, जिससे आप मुझे इजिली सारी बातें शेयर कर सकते हैं। अगर आप गाली भी देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कुछ सवाल पूछते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कुछ प्यार दिखाते हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कमेंट में चाहता हूं कि आप लिख के बताएं कि लास्ट एक मंथ में क्या आपने 8-8 घंटे 6-6 घंटे की पढ़ाई पढ़ी है, क्या आपने वो लास्ट चैलेंज एक्सेप्ट किया है या नहीं। मेरे दोस्त, अगर पानी में पांव डिबोने से डरोगे तो एक बात ध्यान रखना कि समंदर में डूबने का खतरा उन्हीं को होता है जो लहरों के विपरीत तैरना नहीं जानते, और जो तैरना जानते हैं वो समंदर के गोता में जाके मोती लेके आते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप में वो स्किल्स, वो एबिलिटी तभी आएगी जब आप निधार होके काम करेंगे। और ये हकीकत भी है मेरे दोस्त कि चांदनी रातों का मजा और शीतलता का मजा वही लोग सबसे ज्यादा उठा पाते हैं जो दिन भर धूप में तप के आते हैं, और जिसका मन ये जान के बहुत संतुष्ट है कि उसने आज पूरे दिन अच्छा काम किया, पूरी मेहनत से अपने आप को अपने काम में डिवोट किया। हम में से ज्यादातर लोग हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं कि अरे यार, मेरे पास ये रिसोर्सेस नहीं है, या फिर मेरे पास ये चीजें नहीं है, अगर मेरे पास अच्छी लाइट होती, इलेक्ट्रिसिटी होता, इन्वर्टर होता तो मैं ज्यादा देर तक पढ़ पाता, कि तब हम कहते हैं जब लाइट चली जाती है। तो मैं आपसे एक लाइन कहना चाहूंगा कि भोजन का एक्चुअल में स्वाद उनको भी ज्यादा मिलता है जो कुछ दिन भूखे रहना जानते हैं। और यही चीज मैं अपने अर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में स्टूडेंट्स को बताता हूं जो कहते हैं सर मेरे को मुझे लगता है कि मैं काफी लेट हो चुका हूं डिजिटल अर्निंग के लिए। मैं कहता हूं नहीं, दिस इज द राइट टाइम। क्या पता पहले आप उछल कूद उमंग में कुछ ऐसा कर जाते जो आपको करना ही नहीं था और उसी में दिन भर अपने आप को रगड़ते, लेकिन राइट नाउ आपको बहुत सी चीजें पता है, उस सिलेबस में हम सारी चीजें सिखाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ने के दौरान काफी मोटिवेट भी होते हैं मेरे से कि हाँ, मैंने किस तरीके से डिजिटली अपना एम्पायर ई-कॉमर्स बिजनेस Amazon पे काफी स्केलेबल लेवल पे बहुत बड़ा सेट किया, किस तरीके से मैंने अपने बिजनेस को ग्रो किया, हर तरीके मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक किस तरीके से मैंने पूरी चेन बिल्डअप करी, वो सब सिखाया मैंने लोगों को। तो दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, एक्सपर्ट्स आपको डिटेल भी करेंगे। और दोस्तों, जब तक आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी ना, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि अकबर 13 साल की उम्र में अपने पिता के सारे दुश्मनों को उन्होंने मार दिया था। इसका कारण यह भी था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था, और उस समय हुआ था जब उनके पिताजी के पास कस्तूरी को छोड़कर और कुछ था भी नहीं। आपने गीता और महाभारत पढ़ी है, उसमें देखा है आपने कि कौरवों की तरफ हजारों और लाखों की सेना थी और पांडव की तरफ सिर्फ गिने चुने लोग, लेकिन फिर भी जीत किसकी हुई? पांडव की, क्योंकि इन्होंने वनवास सहा, इन्होंने बड़ी महफिल में इनको शर्मिंदा किया गया। और दोस्तों, एक लाइन हमेशा याद रखना कि जिंदगी में सबसे बड़ी जो आपकी चीज है ना, वो है हिम्मत, और आपके अंदर आने वाले सारे गुण इसी हिम्मत की वजह से आते हैं। तो हिम्मत को बरकरार रखिए, आप वो सब कुछ कर सकते हैं, इन्फिनिटिक लेवल तक जा सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए। तो आपके अंदर जितने भी गुण है ना, वो सिर्फ हिम्मत की वजह से आए हैं, तो इसको संभाल के रखिए, गुण अपने आप आपके पास बने रहेंगे। और ये हकीकत है मेरे दोस्त, हमारी जिंदगी के दो सूरत है, एक वो कि हम कदम बढ़ाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, या तो सफलता मिलेगी या फिर विफलता। सफलता आपको एक नई राह की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन विफलता हमें ये बतलाती है कि हाँ, हमें कुछ कमी सी आ गई है। दोस्तों, आप सीधा समझिए ना कि जब रास्ता आगे की तरफ निकल रहा है तो असली मजा किसमें है? क्या रुकने में, या फिर अपना पांव आगे की तरफ बढ़ा के आगे चलने में? तो सीधी सी बात है कि अगर आप रुके रहेंगे तो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। अगर आप में थोड़ी पॉपुलैरिटी, अगर आप थोड़े से ब्राइट स्टूडेंट है, तो बहुत से लोग और पढ़ के आपसे आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए कम से कम उनके साथ तो बने रहिए,
और अगर आप में ये दृढ़ निश्चय आ जाएगा कि मैं अपना काम निरंतर करता रहूंगा, तो एक समय आएगा जब आप भी टॉप लिस्ट में होंगे। तो आप स्टूडेंट हैं, लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितना आपने अपने स्टार्टअप्स को, अपने बिजनेस को उतना समय दिया है, किस चीज में आप लड़खड़ाए, क्या छोटी सी चीजों से क्या आपने अपने आने वाले बड़े डिसीजन चेंज कर दिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर मेंटेन रखता है। जब मैंने अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में बहुत जोश में था, बीच में डाउन हो गया, कई बार तो लगा कि शट डाउन करते हैं, कुछ और करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जो भी चैलेंजेस आए, ऑब्वियसली चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते रहते हैं, मैंने फेस किया और एक स्टेप आगे गया, और आज आई एम हैप्पी विद दैट कि मैं एक पैसिव इनकम जनरेट कर पा रहा हूं। सो इसीलिए मैं लोगों को भी यही सिखाता हूं कि डिजिटल आइज आप किस तरीके से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जरूर अर्न करिए। क्योंकि जैक मा कहते भी हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को 22 तक डिजिटलाइज नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। और वैसे भी राइट नाउ जितने भी अगर आप ऑफलाइन में बिजनेस कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन में ही चलता है, जिससे आपका सिर्फ गुजारा हो सकता है। एक बार किसी सज्जन पुरुष ने गौतम बुद्ध से पूछा कि गुरुदेव अच्छा और बुरा क्या है, पाप और पुण्य क्या है। तो उन्होंने कहा, देखो अच्छे और बुरे में बड़ा एक समानांतर है कि जब आप किसी भी कार्य को होश पूर्वक करते हैं, होश पूर्वक का मतलब होता है आप अपने सारे डिसीजंस एक हेल्दी एनवायरनमेंट में लेते हैं, फ्यूचर को ओरिएंटेड रख के लेते हैं कि हाँ अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ, अगर मैं ये कोर्स चुनने जा रहा हूँ, अगर मैं फला सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा हूँ तो उससे मुझे ये फायदे मिलेंगे, या फिर मुझे ये करना है। बिल्कुल वही बात कि सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बढ़ता, उसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। सो दैट्स व्हाई अगर आप होश पूर्वक कोई भी काम करते हैं तो वो सही होता है, और अगर आप बेहोशी की हालात में कोई काम करते हैं तो वो गलत ही होता है। दोस्तों जब कभी भी आप बिना कुछ सोचे समझे चल चलते हैं वहां कर लेंगे कि वहां पे कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। कई बार आप लाइफ में बहुत सारी ऐसी लाइक ड्रिंक करते हैं, सिगरेट स्मोक लेते हैं, वहां पे आप दिन भर सोचते रहते हैं कि मुझे नहीं पीना नहीं पीना नहीं पीना, लेकिन सडनली आपका अनसर्टेन बोलता है चल यार एक ले लेता हूं, और उस टाइम आप ले भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें होश पूर्वक नहीं की गई हैं। इसी वजह से लोगों को समझ नहीं, मैं आपको सच बताता हूँ, जेल में बंद हुआ कैदी अफसोस करता है कि जो वो काम उसने किया वो गलत कर लिया, वो होश में नहीं था, बेहोशी के हालात में उसने ये काम किया। रेपिस्ट हैं, इतने सारे मर्डरर हैं, ये सारे लोग ये भी तो हमारे और आप जैसे एक इंसान ही थे, लेकिन इन्होंने अपने अंदर वो कहते हैं ना कि आपके गुण जो हैं आपके खानदान से आते हैं, आपके माँ बाप से आते हैं, मेरे बाबा आपने मुझे ये सीख दी है, शायद आपके माता पिता ने आपको ये क्या सीख दी है, ये भी फर्क पड़ता है। लोग कहते हैं जेनेटिक जो चीजें हैं ना लक्षण, वो बहुत कुछ आपकी फैमिली से आपको मिलता है। तो इसीलिए हमेशा अगर आप पेरेंट्स हैं तो हमेशा अपने घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट रखिए जिससे आपके बच्चों पर कभी भी गलत असर ना पड़े। थोड़ी बहुत चीजें हर जगह होती हैं, बच्चों को डांटना मनाना प्यार करना, लेकिन जब उसकी उम्र बढ़ती जाए उसके साथ तो उसके साथ वैसा ही सलूक करिए। हम हमेशा ही गलती करते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है ना, जब वो 0 से 5 साल की एज में होता है तो उसके साथ एक दोस्त जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन जब वो 10 से ऊपर या फिर 10 तक हो सकता है ऐसा, 10 से ऊपर जाता है तब उसके साथ एक दुश्मन जैसा बिहेव करते हैं। एक्चुअली हमें उल्टा करना चाहिए, छोटे बच्चों पे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस और बड़े बच्चों के साथ फ्रेंडली रहिए, जिससे उनको वाकई आपसे कनेक्टिविटी हो पाए और वो जुड़ पाए उन चीजों के लिए। तो दोस्त इस वीडियो के माध्यम से एक बात समझ आई कि जब भी आपको लगे कि आप लाइफ में कुछ गलत कर रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं और वहां पे आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो, तो एक बार अपने आप को रुकिए, 2 मिनट ब्रेक लीजिए और अपने माइंड को स्थिरता चेक करिए कि क्या वाकई आप एक सही डिसीजन लेने के समय या फिर एक वक्त आपके लिए वैसा है जो आप एक सही डिसीजन ले पा रहे हैं, या फिर आप जो काम करने जा रहे हैं क्या वो सही है, या आपकी मानसिक स्थिति से पता चलेगा। जब भी आप अपने माइंड पर प्रेशर डालेंगे तो वो 5 चीजें वहां से निकालेगा। पहला इसका प्रो और कॉन्स, प्रो में 3 चीजें निकलेगी, कॉन्स में 2 चीजें निकलेगी, वहां जाके आपको जस्टिफाई करना है कि क्या मैं जो चीजें करने जा रहा हूं वो सही है या नहीं है। और गालिब का शेर है मेरे दोस्त कि गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये जमीन और आसमां सब उसी का है। और दोस्त आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर मैं पढ़ता हूं मेरा मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन किस तरीके से बढ़ाऊं, स्टैमिना किस तरीके से बढ़ाऊं। सो दैट्स व्हाई मैंने 3 चीजें इंटीग्रेट करी हैं। एक प्रोडक्ट है सिंहासन आयुर्वेदा जिसमें ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, जैसे अश्वगंधा ये आपकी स्टैमिना को बूस्ट करता है, जैसे आंवला ये आपकी आईसाइट बहुत स्ट्रांग करता है जब आप लैपटॉप में पढ़ते हैं मोबाइल देखते हैं। तो अगर आप कच्ची चीजें आंवला खा सकते हैं, अश्वगंधा लाइक जूस बाहर से ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप नेचुरली यूज करिए, नहीं कर पाते तो ये एक प्रोडक्ट है ब्रेन बूस्टर टॉनिक, जिसकी मार्केटिंग मैं खुद देख रहा हूँ और बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स इसको लाइक कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत हेल्दी चीजें यूज कर रहे हैं, अपने आप से लाइक पिज्जा बर्गर पेप्सी से दूर होके ये चीजें ले रहे हैं, उनका हेल्थ भी ठीक रह रहा है। तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करिए,
सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये प्रोडक्ट Amazon पे भी है बिकॉज ये ऑलरेडी वेरीफाइड प्रोडक्ट है, Amazon पे भी लिस्टेड है, बट आप डायरेक्ट हमारे थ्रू करें खरीदेंगे तो आपको 150 से 200 रुपए का डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल रहा है, जो Amazon पे आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो सारी डिटेल्स हैं, आप लाइक कॉल करके देखो। दोस्त मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम कर रहा हूँ बिकॉज आई एम डूइंग अ जस्ट स्टार्टअप। सो मेनी चीजें मैंने ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके स्टार्ट किया, वी मेक क्रिएटर्स चैनल पे मैं सब कुछ आपके लिए बताता हूँ। आप खुद स्टार्ट करो यार, दुनिया में लाइक पॉपुलेशन इंडिया की इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इसका ये मतलब नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मेन रीजन हो सकता है। अगर ऐसा होता तो जापानी लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जनता वैसे ही कम होते जा रही है, उनके यहाँ बूढ़े लोग बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। सिंगापुर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, मैं आपको बता दूं, अगर 4th-5th रैंक पे आता है सिंगापुर, क्यों वो इतना ज्यादा ग्रो है, बिकॉज वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, नए नए एंटरप्रेन्योरशिप, लोग ज्यादा बिल्डअप हुए। यही चीज मैं आपको सिखाता हूं अपने EDM कोर्स में। तो यार प्लीज, अगर आप चाहते हो कुछ बड़ा करना तो डिजिटली वर्क करो, चाहे मेरे थ्रू सीखो या फिर किसी भी एक्सपर्ट से ज्वाइन करो, लेकिन अपने बिजनेस को, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर भी हो ना तो डिजिटल जरूर आना, ऑफलाइन को छोड़ो यार, अब डिजिटल आओ। यही चीजें हैं दोस्त, ज्यादा नहीं कहूंगा, लाइफ बहुत आसान है, सिर्फ अच्छा सोचते रहो और आगे बढ़ते रहो, यही जिंदगी का उसूल है। मोटिवेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट वेपन्स इन द वर्ल्ड, जो सामने वाले को हमेशा डरा सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।